के पिज़्ज़ा, 425 का पिज़्ज़ा। और देखो लूट है, लूट जला हुआ, लूट मची है भाई। वर्थ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ते परिंदे। तो आज का हमारा प्लान है पिकार्डलिया ओपन थिएटर, जो यहाँ पर अपना मुल्लापुर में है, न्यू चंडीगढ़ सेक्टर 3 में। तो काफ़ी लोगों से हमने सुना था इसके बारे में कि ये ओपन थिएटर है और काफ़ी अच्छे ढंग से इन्होंने इसको बनाया हुआ है। तो आज नीतू और मेरा प्लान हुआ कि चलो आज इसको देख कर आते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं, तो साथ के साथ आपको रास्ता भी दिखाएंगे कि कैसे जाना है और कैसे आप वहाँ पहुँचेंगे, कितना किलोमीटर है। हमने गूगल पर भी डाला है मैप का, तो अकॉर्डिंग टू गूगल अभी हमें 25 मिनट्स लगेंगे वहाँ पहुँचने में। और ये 11 किलोमीटर दूर है यहाँ से, सेक्टर 50 से। अभी हम पेट्रोल पंप आए हैं और अभी चलिए देखते हैं और रास्ते में आपको अपडेट करते रहेंगे कैसे आप वहाँ पे पहुँचेंगे, कैसे रास्ता है और कैसी लोकेशन है वो, और वहाँ के फूड के बारे में क्या क्या फूड है, वहाँ पे जाके फूड ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे। और चलिए फिर चलते हैं और बने रहिए साथ में। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. So, ये साइन दिख रहा है और इस साइन से हमें अंदर जाना है। तो ये बाहर का स्पेस है, आप देखिए कि कितना बड़ा और कितनी जगह है यहाँ पर। और ये कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, शायद ये लोग भी अंदर ही होंगे। तो पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, पार्किंग यहाँ फुल ऑन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है। ये आप देख सकते हैं, ये एंट्री गेट है। तो ये है जो पिकार्डलिया का एंट्रेंस गेट। तो अब हम अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे अंदर का व्यू। चलिए चलिए। तो ये देखिए सारी हट्स यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। और ये ओपन प्लेस है बैठने का, ये देखिए। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर। चलिए, ये है यहाँ का रास्ता जो काफ़ी ब्यूटीफुल है, मैं वन बाय वन करके दिखाऊँगा आपको। और हम यहाँ पे लेके चलते हैं आपको यहाँ के मैनेजर के पास। तो हेलो सर, हाउ आर यू? गुड सर, हाउ आर यू? वी आर प्रीटी फाइन, व्हाट अबाउट यू? गुड। एक्चुअली वी आर फ्रॉम यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। ऑलराइट, सो वी आर हियर टू लाइक विजिट योर प्लेस। या ऑलराइट, वी वांट टू टेल अस समथिंग अबाउट द प्लेस, लाइक व्हेन इट्स मेड एंड बेसिकली ओपन 1 year बैक। Okay. So we are serving Italian Lebanese menu. Mm-hmm. It consists of like pasta, burger, some fries, nachos. We have all prepared some kebab platter with wood fryer. Okay. And pizza also we have wood fryer oven. So all we get this, everything would be natural, sir. Absolutely. You can see this all environment, all we are natural vibes. Oh, okay. That's great. We have every day we are just writing down everything like on the board, right? Yeah, on the board. Saying if we welcome everything, like no gender, no culture, even we are equally doing the same. So. Oh, that's great. Yeah. Sounds good. Thank you so much. तो फिर चलिए और अंदर चल के देखते हैं अंदर का व्यू और साथ के साथ आपको अपडेट भी करते हैं। अभी जो देखने में लग रहा है, देखिए सामने जो बार है वो कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए मैं आपको अंदर का और भी व्यू दिखाता हूँ, तो साथ में बने रहिए।
सो गाइस यहाँ के तो काफ़ी अच्छा लगा, और यहाँ के इंटीरियर्स, यहाँ की जो क्रॉकरीज है काफ़ी अट्रैक्टिव लगी, और ये जो छोटे छोटे हट्स बने हुए तो बिल्कुल मतलब दिल को छूने वाली चीज़ें हैं। सो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सिटिंग्स दी हुई हैं, यहाँ पे कलरफुल प्लेट्स भी हैं, ग्रीन है, ब्लू है, और सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ के जो वेटर्स हैं उनकी जो ड्रेस है उनका ना काफ़ी अट्रैक्टिव लगा मुझे, काफ़ी यूनिक और काफ़ी ब्यूटीफुल मुझे लगा। सो हाय नीतू, हाउ इज योर एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत ही अमेजिंग और बहुत अच्छा लगा मुझे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ते परिंदे। तो आज हम उड़ते उड़ते आ गए हैं पिकार्ड लिया, और ये काफी सुना था इस प्लेस के बारे में, तो हमने सोचा कि आज देख ही लेते हैं। देखने में तो काफी अच्छी लगी है, प्लेस काफी अच्छी है। तो चलिए मैं आपको इनका बार दिखाता हूँ और डायरेक्ट मिलते हैं बार में। तो आप लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर? हाँ यार। तो कुछ कहना चाहोगे इस प्लेस के बारे में आप? यार बड़ा पहली बार आए हैं। तो कैसे लगा बताओ? फर्स्ट टाइम आया अभी। अच्छा फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए ठीक है। थोड़ा अप्रोच काफ़ी दूर है, है ना? दूर है और थोड़ा रफ है। अच्छा हाँ, ये जो अंदर से एंट्री हुई ना, हम लोग भी पहले क्या कन्फ्यूज हो गए थे, हम लोग स्ट्रेट निकल गए थे सीधा। अच्छा। और ये जो ये स्लिप रोड थी, स्लिप रोड लेनी थी, तो फिर वहाँ से टर्न लेकर आए। आप चंडीगढ़ से आए हो? हाँ। कौन से सेक्टर से? पंचकुला सेक्टर 4। अच्छा पंचकुला से आए हो आप? हाँ। तो आप दूर से आए हो काफी। हम पहले ओमैक्स में गए थे। अच्छा अच्छा। देखिए हमारा फूड आ चुका है, ये जो ब्राउनी शेक है ना, ये ब्राउनी शेक एंड दिस इज कॉल्ड पिज़्ज़ा, दिखा के देखते हैं। इसमें छोटे छोटे ना बेबी टमाटोज हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं, देखो आप देखने में जितना क्यूट लग रहा है, और इसकी लेयर देखिए आपने कितनी पतली है। वो भी देखो जली, ये तो रोटी लग रही रात की। तो रात की रोटी पे लगा के वो बना दिया पिज़्ज़ा। तो देखने में अगर मैं इसको फाइव में से अगर आपसे ना चाहूँगी तो मैं 4 दे दूँगी, 5 तो नहीं दे सकती। अभी पहले ड्रिंक तो करो, पी के दिखाऊंगी ना तभी। ड्रिंक करके देखो। यम्मी। अगर मैं 5 में से मैंने अपना इरादा चेंज कर लिया, मैं आपको 5 से 5 ही दूंगी। इसमें ना ब्राउनी का जो टेस्ट आता है ना, वो फ्रेंच फ्राइज। ओके थैंक यू। और हमारे फ्रेंच फ्राइज आ गए, और इसकी क्वान्टिटी का बहुत ज़्यादा है, मतलब आप 2-3 लोग तो आराम से खा सकते हो। और ये गाइस ये पता है सब प्राइस क्या है? ये क्वांटिटी देखो जरा, ठीक है। हाँ बहुत ज़्यादा है, और ये 175 रुपीस के गाइस। तो फ्रेंच फ्राइज तो ठीक है यहाँ का, और पिज़्ज़ा भी देखने में भी ठीक ही लग रहा है। क्वांटिटी ठीक है वैसे, क्वांटिटी तो ठीक है, पर प्राइस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है यार। प्राइस ओवर प्राइस है, ओवर प्राइस है। हाँ। तो हम लोग इसको इन्जॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। स्टार्ट विद द शेक, तो शेक कितना का है? 285 रुपीज़ का इनका शेक है, 175 रुपीज़ की ये फ्रेंच फ्राइज है, ओके, एंड ये है पिज़्ज़ा, क्लासिक मैग्रिटा पिज़्ज़ा। इसका प्राइस क्या था अपना? 425 रुपीज़ का ये पिज़्ज़ा। वर्थ नहीं है, एक्सपेंसिव है, इट्स लिटिल बिट एक्सपेंसिव। चलो बट हम खा के देखते हैं, साइज़ बड़ा है और नीचे से जला हुआ है, देखिए जला है। चलो ट्राई करके देखते हैं कैसा है, ठीक ठाक है ना? वर्थ नहीं है ये, इतना
में था कि आप 425 रुपीज़ मार्गरिटा पिज़्ज़ा के देंगे यहाँ पर, तो इतना वर्थ नहीं लग रहा मुझे ये, और जला हुआ भी है। तो आप लोग देखिए, हर एक बंदे का अपने अपना अपने अपने व्यू होते हैं। देखिए हमें तो यहाँ पर आके अभी इतना अच्छा नहीं लगा, और ये पिज़्ज़ा वगैरह भी हमें इतना अच्छा नहीं लगा। सो ये कैंडल है जो कि नाइट में ऑन की जाती है, बट ये बार बार बुझ रही थी क्योंकि सामने से फैन लगा हुआ था। तो मॉस्किटो बहुत है यहाँ पर, मॉस्किटो, दिस इज स्कैन कोड। ये पिज़्ज़ा 425 का पिज़्ज़ा, और देखो और एक्चुअली यहाँ मॉस्किटोज बहुत है तो हमें काफी प्रॉब्लम हुई थी, तो शॉर्ट्स एंड बच्चों को फ्रॉक्स वगैरह मत पहनाइएगा। सो ये ओपन थिएटर, एक्चुअली इसके बीच में पार्टीशन है, तो हम अपनी सिटिंग जहाँ लोग बैठे हैं वहाँ से मैं वीडियो बना रही हूँ। आप अपना नाम बता दीजिए पहले। ओके ओके, तो कब से आप वर्क कर रहे हैं यहाँ पर? मैंने 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो गए, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया बढ़िया। तो चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर दिया है ना, तो मैं अब आपको वीडियो जैसे आएगी आपको नोटिफिकेशन। गाइस ये ओपन थिएटर का बाहर का व्यू, और क्योंकि हम एग्जिट कर चुके हैं, सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट व्लॉग का। तब तक